Load word web of pani world and let's play. Hello guys and welcome back to another new video of Raft. Raft survival में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. आज फिर से एक बार हम समुद्री adventure पर जाने वाले हैं. And in the last episode of Raft हमने metal के tools बनाए थे. And उनको बनाने के बाद अभी हम ज़्यादा powerful हो चुके हैं. And last time हम एक island के ऊपर जाने वाले थे. मैंने वहीं पर video end करा था. And हम अभी वहीं से ये video की शुरुआत करने वाले हैं. So please leave a like on this video अगर आपको Raft के और भी सारे videos देखने हैं तो. All right guys, finally हम इस island के ऊपर आ चुके हैं. And last time मैंने आपको बोला था कि आज हम मतलब next वाले video में हम इस island को explore करेंगे. और अभी सबसे पहले हम वही चीज़ करने वाले. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो planks वगैरह फंसे हैं मैं उनको उठा लेता हूँ. And you know what, मेरा plan है कि ये जो water purifiers है ना, मुझे उनको update करवाना है. I mean, वो जो बड़ा वाला प्यूरीफायर हो ना, उसको क्या बोलते हैं, एडवांस्ड प्यूरीफायर, मेरे को वो बनाना है. लेकिन उसके लिए मेरे को ग्लास बनाना पड़ेगा. एंड ग्लास बनता है सैंड की मदद से. आई मीन ये जो स्मेल्टर है ना, इसके अंदर मुझे सैंड डालनी पड़ेगी, उससे हम ग्लासेस बना सकते हैं. तो मेरे को वो चीज़ भी करनी है भाई. ये मैंने फेंक क्यों दिया भाई, इसको उठा ले. एंड यहाँ पर ये मेटल का इंगोट है, इसको भी मैं उठा लेता हूँ. एंड फिर से एक बार इसके अंदर ये वाला मेटल इंगोट में डाल देता हूँ, ताकि यहाँ पर थोड़े से और मेटल और तैयार हो सके, जो भी उसको बोलते हैं. एंड अभी ना मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम है, तो यहाँ से सबसे पहले खाना मैं खा लेता हूँ भाई. मैं कुछ भी नीचे फेंक रहा हूँ, मेरे पास खाने की ना अभी कुछ ज़्यादा ही कमी है. देखो मेरे पास खाना ही नहीं है लिटरली. अभी ये वाटर मेलन भी बड़ा नहीं हुआ है. क्या मेरे पास सैंड पड़ी है? ओ मेरे पास सैंड तो ऑलरेडी पड़ी है, तो यार मैं इजीली ये बना सकता हूँ ना. अरे यार ये हटना. आई मीन मैंने स्केयरक्रो बनाया था, फिर भी ये क्यों आ रहे? अरे स्केयरक्रो ये खराब हो गया, तो अभी मुझे इसको क्या, मैं इसको रिपेयर करवा सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ. ओके तो इससे मुझे थोड़े से प्लैंक्स मिल गए, तो आई थिंक हम और एक स्केयरक्रो बना सकते हैं, ताकि यहाँ पर पंछी आकर हमें तंग ना करे. या हम बना सकते हैं. मैंने और एक स्केयरक्रो बना लिया. एंड देन इसको भी यहीं पर लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पर पंछी फिर से एक बार ना आ सके. खाना चाहिए मुझे खाना. मेरे पास खाना नहीं है. अभी जल्दी से ना उस आइलैंड के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा खाना लेकर आते हैं भाई. आई मीन वहाँ पर पेड़ पौधे तो होंगे, तो हम वहाँ पर जाकर थोड़ा सा खाना ले आ सकते हैं. एंड आई थिंक हमारी बोट ने यहाँ से कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर ही फंस चुकी है इस पहाड़ के साइड में. दैट्स वाई दिक्कत की कोई बात नहीं है. लेट्स गो. इस आइलैंड पे ना कोई पंछी वगैरह नहीं होना चाहिए. मेरे को ना उस पंछी से सख्त नफरत है, जिस पंछी ने लास्ट टाइम हमारी बैंड बजा दी थी. ओके जो हमारे पास ये आयरन की कुलाड़ी ना, इसके भी ताकत देखो. एक दो तीन चार. अरे चार हिट लगते हैं फिर भी. आई मीन जो स्टोन की कुलाड़ी थी उसको भी तोड़ने में इतने हिट्स लगते थे. आई मीन इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई. मेरे को लगा कि मेरी पावर बढ़ जाएगी. आई मीन जो हमारी आयरन पिकैक्स है उसकी, आई मीन एक्स है, उसकी पावर बढ़ जाएगी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ पर भी एक ट्री है. एटलीस्ट मुझे थोड़े से कोकोनट्स मिल रहे. ओ भाई ये क्या फेंका मैंने? अरे यार मेरे पास जगह ही नहीं है. मुझे ना थोड़ा सा सामान रख कर आना चाहिए था. अभी क्या करूँ मैं, एक काम करता हूँ, ये कोकोनट्स है ना, उनको मैं खा लेता हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बन जाए. एंड मेरे को इस ट्री को भी कलेक्ट करना है. यहाँ पर ऊपर और भी रास्ता जा रहा है. मुझे यार कोई स्टोरेज वगैरह दे दो. ओ भाई साहब वो ऊपर स्टोरेज है ऐसा मुझे लग रहा है. ओ यस मेरे को पता था यहाँ पर एक स्टोरेज होने वाला है. एंड लेट्स सी कुछ अच्छा. ओके क्या फेंका मैंने? ये स्क्रैप एंड ये हिंज. अबे मेरे को हिंज चाहिए. तो रात काफी ज्यादा हो रही है एंड मुझे ना जल्दी से राफ के ऊपर जाना पड़ेगा. हे वी गो, ये हम आ गए राफ के ऊपर. अभी सबसे पहले मुझे अपना सारा जो सामान है उसको एक चेस्ट के अंदर खाली करना पड़ेगा. आई मीन जो इंपॉर्टेंट सामान है. मेरे पास अभी दो हिंज आ चुके हैं. प्लैंक्स वगैरह काफी सारे भाई, क्या रुकूं मैं. ओके ये तैयार हो गया मेटल इंगोट. अभी यहाँ पर मुझे ना ये सैंड डालनी है. कहाँ पर गई सैंड? और इससे बनेंगे ग्लासेस. एक काम करता हूँ, स्टोरेज को ही मैं यहाँ पर रख देता हूँ. एंड इसके अंदर अभी मैं मेरे पास ये जो लिप्स वगैरह है ना, ये ड्राई ब्रिक्स वगैरह, उनको मैं इसके अंदर रख देता हूँ. एंड गाइस मुझे ना समुद्र के नीचे भी एक बार जाकर देखना है कि समुद्र के नीचे क्या क्या है. लेकिन यहाँ पर आसपास शार्क हो सकती है. दैट्स व्हाई मैं ना अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारा सामान पड़ा है. सबसे पहले मैं इस डेकोरेशन बॉक्स को ओपन करके देखता हूँ, इससे मेरे को क्या मिलेगा. ओके एक फ्लैग मिला है. यार इसका कोई फायदा भी नहीं है. एंड देखो वाटर मेलन बड़ा हो गया. अभी नहीं हुआ है, इसको भी हार्वेस्ट करना बाकी है. लेकिन पोटेटोज बड़े हो गए. अभी इनको मैं जल्दी से यहाँ पर प्लांट भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पोटेटोज की थोड़ी सी कमी है. एंड रंगे हाथ में इनको पानी भी पिला देता हूँ, आई मीन पानी भी उनको डाल देता हूँ. एंड मेरे को भी इस प्यूरीफायर के अंदर पानी भी डालना पड़ेगा. मुझे यार वो स्मार्ट प्यूरीफायर की ज़रूरत है, वो एडवांस प्यूरीफायर. ओ ये ग्लास तैयार हो गया. यस एंड आई थिंक अभी मैं उस एडवांस प्यूरीफायर को बना सकता हूँ. एंड आई थिंक अभी मुझे इस ग्लास को रिसर्च करना पड़ेगा. ओके ये हो गया रिसर्च. एंड फाइनली हम एक एडवांस प्यूरीफायर बना सकते हैं. प्यूरीफायर आ चुका है, अभी मैं इसको इजीली बना सकता हूँ. इसके लिए मुझे चार ग्लासेस की जरूरत है, छह प्लास्टिक एंड एट प्लैंक्स. कोई नहीं भाई, इजीली बन जाएगा भाई. यहाँ पर अभी भी मुझे को प्लैंक्स रखने पड़ेंगे. अभी यहाँ पर हमारा ग्लास तो तैयार हो रहा है, तब तक मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ. एंड सुबह करते हैं, मेरे को उस आइलैंड के ऊपर भी जाकर वहाँ पर और भी थोड़ी सी लूट बाकी थी, मेरे को उसको भी लेकर आना है. एंड यहाँ पर समंदर के नीचे भी ना बहुत सारी लूट है, तो मेरे को इसको भी चेकआउट करना है. लेकिन उससे पहले आई नीड टू ईट समथिंग, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है. वाटरमेलन बड़ा हो गया,
ओ भाई बड़ा हो गया अभी मैं इसको खा सकता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो है खाने के लिए। एनीवे मैं जल्दी से उस आइलैंड के ऊपर भी चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लास्ट टाइम मैंने एक वाटरमेलन को फेंक दिया था, तो वो वाटरमेलन मैंने यहीं पर फेंका था, यहीं पर है। अरे सीड्स नहीं, मेरे को वाटरमेलन चाहिए था। ओके वाटरमेलन एक आ गया, दूसरा आ गया। क्या मैं इसको नहीं उठा सकता? आई मीन यहाँ पर जो ये बॉक्सेस वगैरह पड़े होते ना उनको, मेरे को ये सीड्स नहीं चाहिए। एंड ये पेड़ भी बाकी था, इसको भी मेरे को तोड़ना था, तो मेरे यार इसको भी तोड़ लेता हूँ। एंड मेरे को ना आसपास समंदर में भी चेक करना है, क्योंकि यू नो समंदर में भी बहुत सारी लूट होती है, हमको चेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं। एक मिनट, हमारा राफ्ट यहाँ पर है। ओके मेरे को लगा कोई किसी आई मीन किसी दूसरे का राफ्ट है। अरे ये शार्क हट जाना, ये मेरे राफ्ट को तोड़ रही है यार। मेरे पास एक तो ज़्यादा प्लैंक्स है ही नहीं, एंड ऊपर से शार्क के बहुत सारे नखरे हैं, तो मेरे को यहाँ पर ये बिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मेरी सारे की सारी नेट्स इसने तोड़ दी। लास्ट टाइम मेरे राफ्ट पर 5 या 6 नेट्स थी, कलेक्शन नेट्स, इसने सारी की सारी तोड़ दी। तो शार्क बहुत ज़्यादा एनोइंग है, मेरे को शार्क से सख्त नफरत है। तो ये और एक ग्लास बन गया, यहाँ पर मैं और थोड़ी सी ये सैंड डाल देता हूँ, ताकि और एक हमारा ग्लास तैयार हो सके। एंड यू नो मुझे ना शार्क को मारना है, तो उसके लिए मुझे एक फिशिंग रॉड बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक फिशिंग रॉड बना देता हूँ, क्योंकि शार्क को पकड़ने के लिए हमको ये बनाना होता है शार्क बेट, एंड वो मैं इजीली बना सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ से जल्दी से थोड़ी सी रोप्स बना लेता हूँ, लेकिन रोप्स के लिए मुझे थोड़े से और लीव्स चाहिए। लीव्स मेरे पास काफ़ी सारे पड़े, तो ये बन गए और सारी रोप्स। फिशिंग रॉड बनाने के लिए बहुत सारी रोप्स चाहिए होती है। एंड नाउ बन गया फिशिंग रॉड, अभी ना बस हमको यहाँ पर थोड़ी सी फिशिंग करनी है। देन जैसे हमको वो वाली मछली मिलेगी जो मछली शार्क को पसंद है, देन उससे हम शार्क बेट बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम शार्क को मार भी सकते हैं, तो वो बहुत काम की चीज़ होती है। ओ गाइस फाइनली ये मछली मिल गई, और इसी की मदद से हम एक शार्क बेट बना सकते हैं। अभी मैंने इसको बना लिया, एंड इसको ना मैं मेरे राफ्ट के अंदर फेंकूंगा, आई मीन यहाँ पर मैं एक जाल बिछाऊंगा शार्क को मारने के लिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं ये रखने वाला हूँ, एंड इसके अंदर हम ये रखेंगे ताकि शार्क यहाँ पर आए एंड फंसे। फंस जा भाई। ओके आई थिंक कि शार्क यहाँ पर आने वाली है डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर मैंने डाल दिया है ना, दैट्स वाई वो यहाँ पर आएगी, एंड देन हम उसको मारेंगे। आ गई, आ जा। चली क्यों गई ये भाई, ये चली भी जाती है। आई मीन मुझे इसको पकड़ना था यार, अभी मैंने खामखा मेरा रफ खराब तो नहीं किया ना? नहीं, वो यहाँ पर दोबारा जरूर आएगी, आई नो। देखा गाइस मैंने कहा था ना, ये फिर से एक बार यहाँ पर आने वाली है, एंड अभी मैं इसको मार सकता हूँ। मर, अभी वो नेक्स्ट टाइम जब आएगी ना, वो डेफिनेटली मरने वाली, क्योंकि मैंने उसको 2-3 हिट्स तो मार दिए ऑलरेडी। सो आई नो अभी मुझे क्या करना है। ओके भाई और एक ग्लास बन गया, अभी मुझे बस 2 ग्लासेस और बनाने, देन हम अपना वाटर प्योरीफायर बना सकते हैं। देखो 2 ग्लासेस बन गई, ये फिर से एक बार आ गई। देखो इस बार वो मरने वाली है डेफिनेटली। अरे मर रहा यार प्लीज, कितने हिट्स खाएगी तू? लेकिन वो यहाँ पर आ रही है इस मछली को देखकर। तो ये एक जाल है शार्क को फंसाने का, एंड आसपास का जो मेरा जो राफ खराब हुआ है ना, मुझे उसको थोड़ा सा रिपेयर करवाना पड़ेगा। एटलीस्ट हमारे पोटैटोस तो बड़े हो गए भाई, अभी हमारे पास थोड़े से और पोटैटोस आ गए, एंड इनको मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। क्या वो आ गई फिर से एक बार? ओ वो फिर से एक बार आ गई, नाइस। अभी मर जा प्लीज, मरना यार। फिर कितनी कौन सी चमड़ी से बनी है ये गधी कहीं की शार्क? आई मीन मैंने उसको कितने हिट्स मारे हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं मर रही है। मरना प्लीज, मर। ओ यस मर गई, एक मिनट कहाँ पर गई? ओके भाई फाइनली गाइस मैंने शार्क को मार दिया, एंड ये अभी हम उसका मीट कलेक्ट कर रहे हैं। फाइनली बहुत सही, मैंने कहा था ना हम इस तरीके से शार्क को मार सकते हैं। देखो कितना आसान तरीका है ये यार, बहुत काम की चीज़ है। क्या मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ? नहीं हटा सकता, कोई नहीं, उसको ना मैं यहीं पर रहने देता हूँ। एंड वहाँ पर मुझे अभी एक आयरन जैसा कुछ तो दिखा था, एंड जो मुझे शार्क का मीट मिला ना, उसको मैं यहाँ पर पकने के लिए रखने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे लजीज खाना होता है भाई शार्क का मीट, एंड इससे ना हमारी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही देर तक चलती है। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शार्क को खाना। एंड अब से मैं क्या करूँगा पता है, मतलब शार्क का ही मैं मीट खाऊंगा, आई मीन उससे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ती है, दैट्स वाई। ओके एंड मेरे पास ये जो शार्क की और एक खोपड़ी है ना, उसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जिसके अंदर शार्क की एक खोपड़ी ऑलरेडी है, तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। एक शार्क को तो मार दिया, अभी दूसरी शार्क कब आएगी? अभी मेरे को शार्क की जरूरत है खाना खाने के लिए, लेकिन पता नहीं दूसरी शार्क कब आएगी। तब तक के लिए ओ गाइज फाइनली हमारा ये भी ग्लास तैयार हो गया, एंड आई थिंक अभी हम इसको बना सकते भाई। ये पंछे मेरे को लगा इस सीड्स को खराब कर रहा है। नाउ आई थिंक वी कैन मेक अ प्यूरीफायर, फाइनली हम प्यूरीफायर बना सकते हैं, और ये बन गया हमारा स्मार्ट प्यूरीफायर। आई मीन क्या बोलती है इसको, एक मिनट इसका नाम भूल गया मैं, एडवांस प्यूरीफायर, ठीक है। तो इसको ना हमको सनलाइट के नीचे रखना होता है, तभी ये काम करता है, तो उसको मैं रखूंगा यहाँ पर। एंड अभी इसके अंदर पानी कैसे डाले भाई, आई डोंट नो। ओके मैं ऐसे पानी इसके अंदर डाल सकता हूँ। ओके 2 कप डाल दिए, टोटल कितने बैठते हैं? ओके 3, 4, यस 5 भाई, कितने कप डाल सकता हूँ मैं? ओके 5 कप एक साथ डाल सकता हूँ भाई साहब, ये बहुत काम की चीज़ है।
आई मीन अभी ना मेरे को मतलब बार बार इन ये छोटे प्यूरीफायर्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम कर देता हूँ, अभी इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास एडवांस प्यूरीफायर आ चुका है जिसकी मदद से हम एक ही प्यूरीफायर के अंदर 5 या 6 ग्लासेस ऑफ वाटर डाल सकते हैं, जिससे कि यार हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। भाई ये मीट पक क्यों नहीं रहा है? ओके यहाँ पर मेरे को थोड़े से प्लैंक्स डालने पड़ेंगे। भाई ले लो भाई प्लैंक्स दे दो, मेरे को जल्दी से खाने दे दो, मेरे पास खाना ही नहीं है। भाई इतनी जल्दी पानी फ्रेश भी हो गया, वो बहुत सही। अभी मैं इसको जितना चाहे उतना पी सकता हूँ पानी। फाइनली मैंने खाना खा लिया। तो शार्क अभी यहाँ पर बिजी है, तो आई थिंक मैं समंदर के नीचे जाकर थोड़ी सी डिस्कवरीज कर सकता हूँ या मैं इन चीज़ों को निकाल सकता हूँ, क्योंकि शार्क वहाँ पर बिजी है। ये वो आएगी नहीं ना मुझे मारने के लिए? भाई सब वो मुझे मारने के लिए नहीं आ रही। अभी मैं ना समझ गया हूँ कि शार्क को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। इसके लिए हमको बस ये रॉ प्रॉम्फेट चाहिए, जिसकी मदद से हम शार्क का वो बेड बना सकते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, जो भी शार्क को पकड़ने के लिए जो भी लगता है। एंड उसकी मदद से ना जो शार्क है वो हमारे पास आती नहीं है, तो इसके लिए मेरे को ये एक ये वाली मछली और ये की एक ये वाली मछली चाहिए। ओह यस, अभी मेरे को पता चल चुका है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है राफ में। देखो शार्क वहाँ पर बिजी है उसको खाने में, तब तक मैं यहाँ पर जितनी भी नई नई चीज़ें हैं मैं उनको ले सकता हूँ। ये दे दो भाई सी वीड दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी निकाल लेते, ये मेटल है ना या? अरे उठाना उसको। शार्क अभी भी वहीं पर बिजी है, बहुत सही भाई साहब, ये बहुत काम की चीज़ है। ओह भाई भाई ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, मेरी हेल्थ जा रही है। अरे मेरा खाना खत्म हो गया। तो अभी इस आइलैंड से जाने का समय आ चुका है, क्योंकि हमने इसको लूट तो लिया, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी ढूंढ ली हमने। लेट्स गो, अभी इधर से निकलते हैं, मेरे को किसी दूसरी जगह पर जाना है जहाँ पर हमको अच्छी लूट वगैरह मिलेगी। वेट, एक बैरल यहाँ से आ रहा है, मेरे को ये वाला भी बैरल चाहिए। भाई फंस जा प्लीज़, फंस गया, नाइस। इससे थोड़े से प्लैंक्स मिल गए एंड अभी मैं इसको रिपेयर करवा सकता हूँ। परफेक्ट, फाइनली गाइस मैंने मेरा पूरा राफ रिपेयर करवा दिया है एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है। एंड ये वाला आइलैंड तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ चलते हैं, इस तरफ हमको कोई नया वाला आइलैंड दिख सकता है। ओके गाइज, अभी ना मैं और नई चीज़ें बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम रिसीवर बना सकते हैं, यूज टू लोकेट नियर बाय रेडियो सिग्नल्स। भाई रेडियो सिग्नल्स भी यहाँ पर हम रिसीव कर सकते हैं, व्हाट? अरे यार निकलना प्लीज। इसने तोड़ ही दिया फाइनली, कोई नहीं, इसको भी मैं रिपेयर कर देता हूँ फिर से एक बार। निकल, ओ इसको मारा मैंने, यस। गाइज मैं बोल रहा था कि हम एक रिसीवर भी बना सकते हैं, तो इसके लिए मुझे ना एक सर्किट बोर्ड चाहिए। ओके, तो ये मेरे को ना समुंदर के नीचे मिलेगा डेफिनेटली। एक स्प्रिंकलर भी बना सकते हैं हम, वाओ बहुत सारी नई चीज़ें भाई, मेरे को इनको ना ट्राई करना है। ऑक्सीजन बॉटल, ओके अगर मैंने एक ऑक्सीजन बॉटल बनाई ना तो मे बी मैं समुंदर के नीचे ना ज़्यादा देर तक सांस ले सकता हूँ। एंड ये फ्लिपर्स भी है, ओके देन हम पूरा सूट बना सकते हैं, ऑक्सीजन बॉटल एंड ये फ्लिपर्स। उसके लिए मुझे थोड़ा सा सी वीड चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा है, सी वीड को रिसर्च करवाना पड़ेगा। ओके ये फ्लिपर्स का आ गया, अभी मैं इन फ्लिपर्स को बना सकता हूँ। कहाँ गए फ्लिपर्स भाई, वेयर आर द फ्लिपर्स? ये रहे फ्लिपर्स। फ्लिपर्स बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा सी वीड वाइन गो एंड रोप चाहिए। ओके मैं इसको इजीली बना सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एक बॉटल को बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, सर्किट बोर्ड हमको फाइंड नहीं करना होता है, उसको बनाना पड़ता है। तो सर्किट बोर्ड के लिए मेरे को कॉपर इंगट चाहिए एंड मेरे पास कॉपर काफ़ी सारा पड़ा है। ओके भाई हम सर्किट बोर्ड भी दिन बना सकते हैं, इजी, फाइनली। एक मिनट, अभी मेरे को समझ आया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो मुझे ना यहाँ से एक कॉपर इंगट को लेना पड़ेगा एंड उसको रिसर्च करना पड़ेगा, देन मैं ये सर्किट बोर्ड बना सकता हूँ। एंड सर्किट बोर्ड की मदद से हम एक रिसीवर बना सकते हैं एंड आई गेस रिसीवर की मदद से ना हम मदद वगैरह बुला सकते हैं कोई प्लेन को वगैरह हमको ढूंढने के लिए। फाइनली हमारा कॉपर इंगट तैयार हो गया एंड अभी मेरे को क्या करना है, ये वाला जो कॉपर इंगट है मुझे इसके अंदर रखना है एंड इसको रिसर्च करना है एंड देन मैं अभी एक सर्किट बना सकता हूँ। वो बैटरी भी बना सकता हूँ मैं, नाइस, बैटरी अनलॉक हो गई एंड अभी ये सर्किट भी अनलॉक हो गई। तो सर्किट बनाने के लिए हमको थोड़े से कॉपर के 2 ingot चाहिए, थोड़ा सा वाइन गो एंड बैटरी बनाने के लिए कॉपर इंगट एंड स्क्रैप, इजीली मैं बना सकता हूँ। सबसे पहले ना मुझे एक बड़ा सा स्टोरेज बनाना है एंड मैं उसको इजीली बना सकता हूँ, मेरे पास हिंज तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने हिंज कहाँ पर रखा, ओके मेरे पास हिंज ऑलरेडी है, तो अभी बस मुझे ना इसको बनाना है क्योंकि यार मेरे पास ना जगह ही नहीं है। ओके एंड ये बन गया हमारा बड़ा स्टोरेज, मुझे और एक बनाना है। इसके लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैप लेना पड़ेगा, मेरे पास स्क्रैप भी काफ़ी सारा पड़ा है। और एक बन गया, बहुत सही, एंड इसको हम रखेंगे अभी। अरे हटना यार निकल इधर से यहाँ पर, एंड ये जो ओल्ड स्टोरेज है ना उसको यहाँ पर अभी मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए मैंने इसके अंदर सारा सामान शिफ्ट कर दिया है एंड ये आइलैंड भी आ गया भाई, इतनी जल्दी आ गया। ओह भाई सब बहुत सही। अभी मैं इसको ना यहाँ पर अपनी बोट को रुका देता हूँ, इस आइलैंड की तरफ घुमा देता हूँ ताकि यहाँ पर फंस सके। प्लीज़ यहाँ पर फंस जा भाई, मुझे ना एंकर नहीं बनाना है भाई, एंकर बनाने के लिए मेरे पास सामान ही नहीं। ट्रेजर जैसा कुछ तो दिखाई दे रहा है, चेस्ट टाइप का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाटरमेलन से है। अरे यार वाटरमेलन्स मेरे को भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी वो है एंड मैं उनको खुद भी प्लान कर सकता हूँ, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके इस तरफ तो कुछ है नहीं, ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि जो स्टोरेज होता है वो हमको ऊपर ही मिलता है। यहाँ पर कोई स्टोरेज है? प्लीज़ यार स्टोरेज दे दो मुझे, आई नीड स्टोरेज।
बहुत बड़ा पत्थर है ये, बट देर इज नो स्टोरेज, बट एटलीस्ट हमको यहाँ से थोड़े से प्लैंक्स मिल जाएंगे एंड थोड़े से लीफ वगैरह, चार कोकोनट। ओ भाई 5 कोकोनट मिल गए, बहुत सही है। तो काफ़ी अच्छा ट्री था कोकोनट वाला। एंड अभी इधर से ना नीचे चलते हैं, नीचे भी मेरे को और एक ट्री दिखा था, उसको भी लेकर चलते हैं, क्योंकि यार जो मिल रहा है उसको हमको लेना तो चाहिए। एटलीस्ट एक प्लैंक, दो लीफ, एक प्लैंक, दो प्लैंक्स, एक प्लैंक, परफेक्ट। एंड अभी ना एक बार मैं समंदर के नीचे जाकर देखता हूँ। ओ यार यहाँ पर काफ़ी अच्छी लूट है, यहाँ पर थोड़ी सी सैंड है या क्ले है। ओके ये क्ले है ना, ये क्ले को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि क्ले की भी जरूरत पड़ती है हमको। और एक स्मेल्टर भी बनाना है, आई मीन एक स्मेल्टर से ना बहुत स्लो काम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई मुझे और एक स्मेल्टर बनाना पड़ेगा। ओ भाई नीचे तो काफ़ी सारी लूट पड़ी है। ओके अभी ना मुझे वो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से ना मैं ज़्यादा देर तक समंदर में सांस ले सकता हूँ। नीचे ट्रेजर वगैरह नहीं है भाई। शार्क आ गई। कमॉन वी हैव टू गो। ट्रेजर चाहिए, ट्रेजर, आई नीड ट्रेजर। शार्क नहीं है आसपास, प्लीज शार्क आसपास नहीं होनी चाहिए, मेरे को शार्क से बहुत डर लगता है। ओ आ गई, देखो मैंने बोला था, मेरे को पता था वो आने वाली है। ओ ओ और एक शेल है यहाँ पर तो ना, एक मुझे गुफा जैसा कुछ। ओ भाई साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा है। एंड ये क्या है, ये कॉपर है आई थिंक। अरे यार ये फिर से एक बार आ गई, शार्क आसपास ही घूम रही है, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। अरे मुझे यार नीचे जाकर देखना है एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चीज़ है। एंड ये बन गया क्रॉप प्लॉट, इसकी मदद से आएगा हम इसके अंदर पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। वो ये कितना बड़ा है, वो इसको मैं कहाँ पर रखूँ, एक काम करता हूँ अभी के लिए ना इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एंड इसके अंदर आएगा हम ट्री वगैरह लगा सकते हैं, मेरे पास उसके सीड्स भी है। ओके मैंगो सीड है, तो आई थिंक मैं इसके अंदर मैंगो प्लांट कर सकता हूँ। ओ यस प्लांट कर सकता हूँ मैं। एंड अभी बस मुझे इसको पानी देना पड़ेगा ना। फाइनली गाइज अभी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्री तैयार होने वाला है, देखो ये कितना बड़ा है भाई साहब। सामने की तरफ मुझे एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखाई दे रहा है। व्हाट भैया कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा जायंट लग रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जाने वाले हैं भाई सब, देखो उसकी हाइट कितनी बड़ी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस जायंट आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड उसके ऊपर हमको बहुत सारी लूट मिलने वाली है, डेफिनेटली मुझे पता है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।